गांडे विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। मैं बता दूं कि जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को गांडे निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झामुमो के अन्य नेता मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने गांडे उपचुनाव में भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों के अंतर से हराकर गांडे उपचुनाव जीती है। झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। 20 मई को मतदान हुआ जिसमें 3.16 लाख मतदाताओं में से 2.17 लाख ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कल्पना ने 4 मार्च को गिरिडीह जिले में झामुमो के 91वें स्थापना दिवस समारोह के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से विरोधियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन को धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल्पना झारखंड में इंडिया ब्लॉक रैलियों में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। एक गृहिणी, उन्होंने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अपनी शिक्षा पूरी की है और भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री प्राप्त की है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने अटकलों को हवा दी कि कल्पना नेतृत्व संभालेंगी। हालांकि परिवार में दरार पैदा हो गई। उनकी भाभी सीता सोरेन ने कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने के किसी भी कदम का खुलकर विरोध किया। जवाब में कल्पना सोरेन ने घोषणा की, मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं लड़ती रहूंगी। हम जीत गए हैं और हम जीतेंगे। उनका नारा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। भाजपा कल्पना सोरेन पर हमला कर रही है। दावा कर रही है कि चंपई सोरेन एक कार्यवाहक और कठपुतली मुख्यमंत्री है, जबकि वह झारखंड में सत्ता का केंद्र है। भाजपा के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन बहुत जल्द लेंगी मुख्यमंत्री की शपथ, जबकि एक इंटरव्यू में मेरे साथ बोल चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस 6 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में बताएँ और वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार।